हेलो स्टूडेंट्स, आज जो कंसर्न है हमारा, मैं आपको एक छोटा सा 10 मिनट्स की एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें हम 3 चीज़ें सीखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा मिसकॉन्सेप्ट, इनफैक्ट मैं कहूँ पहले मिसकॉन्सेप्ट, फिर कॉन्सेप्ट और फिर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। और इसके मैंने एक बड़ी सिंपल से टॉपिक उठाए जो बहुत आसान है बच्चों के लिए और साथ साथ नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक से कम 10 क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए होंगे, वो हमें ध्यान रखना है कैसे इसको लीड करना है। तो मेरी जो आज की टॉपिक है उसमें कैसे एक छोटी सी, इस क्लास का मेन मोटो क्या है कि कैसे आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए फिजिक्स की फोबिया को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इस 10 मिनट्स की वीडियो देखने के बाद आपको फील आएगी नहीं, 1% बेटर फील करेंगे। एंड आई श्योर कि जो हम प्लान आउट कर रहे हैं क्रैश कोर्स के लिए, जो मेन मोटो है इसका, अगर आपने उस कोर्स को ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, जिसकी कॉस्ट हमने कुछ भी नहीं बिटा, बिल्कुल मिनिमम पे हमने रखी है, तो आप काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे एग्जाम, और हो सकता है कि आप काफी सारे क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड में सॉल्व कर लें। और वो कैसे करें वो भी 10 मिनट की वीडियो में आपको नजर आएगा, इसलिए आप आराम से इसको देखें और फिर हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, आज मेरी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है उसमें हम बात करते हैं R का फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो एल बाई, यहाँ पे हम L लेंथ है, A एरिया है और रो इसकी रेजिस्टिविटी है। और हम बात आज कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ लेंथ की बात। तो पहली शुरुआत मिसकॉन्सेप्ट, देखो बेटा क्या आपने इस फॉर्मूले को देखा, पहला केस आपके दिमाग में क्या बात है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो इस फॉर्मूले को देख लेना, रियल तो बड़ा आसान का मैसेज, R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, यानी कि R2 अपॉन R1 को हम चाहें तो L2 अपॉन L1 लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, लेंथ को डबल करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डबल होगी। आप बिल्कुल फ्लो में बोलते गए, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, ये मिसकॉन्सेप्ट क्यों था, वापस चले अब इसको देखें ध्यान से। ये आप तभी कह सकते हैं जब एरिया की वैल्यू सेम हो, ये मिसकॉन्सेप्ट। अगर एरिया की वैल्यू सेम नहीं होगी तो आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट हो गया जो पहले आपने यूज किया, मिसकॉन्सेप्ट था, अब आपको पता चल गया, अब आप घबरा गया, अरे सर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं बेटा, अगर जैसे ही कॉन्सेप्ट आता है ना चीजें, तो कॉन्सेप्ट में हम एक चीज सीखते हैं, लेकिन अगर कोई मिसकॉन्सेप्ट है तो उसके हम दो चीजें सीखते हैं। देखो, एक तो एरिया सेम के लिए क्वेश्चन बनेंगे और दूसरा जब एरिया सेम नहीं होगा तो उसके लिए बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसे डिस्कस करें यहां से कि हम देखें कि सपोज करो यहां पे, इफ अगर L2 = n × L1 है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे वो देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे केस में अगर L2 n × L1 है, इसका मतलब है दैट इज इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीजेस या चेंजेस, आप इंक्रीज भी कर सकते हो डिक्रीज भी कर सकते हो, चेंजेस एन टाइम्स, देन अब क्या हो जाएगा, R2 upon R1 = ये हो जाएगा L2 upon L1, इसको लिखेंगे n L1 upon L1, ये कैंसिल होगा और R2 upon R1 = n, यानी कि R2 की वैल्यू को n × R1 कहेंगे। और हम ये कह सकते हैं यहां पे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस आल्सो चेंजेस, कितना बेटा, चेंजेस n टाइम्स, वो भी इसी तरीके से चेंज। लेकिन अब देखो, पहले तो इसका मतलब कैसे, आप ये कहना चाहते हैं कि सर देखो, अगर लेंथ को डबल किया रेजिस्टेंस डबल होगा, लेंथ को हाफ किया रेजिस्टेंस हाफ होगा, लेंथ को 1/3 किया रेजिस्टेंस 1/3 होगा, लेकिन कब, जब एरिया की वैल्यू सेम हो। अब देखो, मैंने कहा ना जब, अब ये कंडीशन है, यानी कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि एरिया की वैल्यू सेम ना हो। ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं कि लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल होगा जब एरिया की वैल्यू सेम दे रखो। और यहां से हम चाहे तो परसेंटेज चेंज भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज जो होगा चेंज इन आर, इसकी वैल्यू हो जाएगी R2 - R1 upon R1 × 100, इसको लिखेंगे nR1 - R1 upon R1 × 100, और इसको लिख देंगे हम n-1 × 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज
चेंज इन आर निकालने का फॉर्मूला, चेंज इन आर। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट बना, यानी कि आप ये कह सकते हैं, कोई आपसे कहते हैं कि लेंथ को 40% बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस 40% बढ़ गया, लेकिन वेट कब, जब एरिया की वैल्यू सेम दे रखा हो। अगर एरिया सेम नहीं होगा तो ये क्वेश्चन ऐसे डील नहीं करेगा, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ना है और हमें ये देखने की कोशिश करनी है कि सेकंड केस कैसा होगा। सेकंड केस का मतलब जब एरिया की वैल्यू सेम नहीं होगी तो कैसे होगा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो केस टू, अब हमें ये देखना है कि अगर एरिया की वैल्यू सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है इन केस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेन, मैकेनिकल स्ट्रेन की बात कर सकते हैं। अगर आपने किसी वायर की लेंथ को स्ट्रेच करके इंक्रीज किया, खींचा है उसको, आप सोचो जैसे किसी वायर को स्ट्रेच करोगे हमेशा उसकी लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन एरिया हमेशा डिक्रीज होगा, इस बात ध्यान रखना। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या होगा, ऐसे कॉन्सेप्ट में हम एरिया सेम नहीं कह सकते, इसीलिए फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहां पे ये बोल के निकल जाएं ये आर प्रोपोर्शनल टू एल होगा तो भूल जाएं इसको, गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पे एरिया की वैल्यू सेम नहीं है। तो अब हमें दोबारा सोचना पड़ता, तो वापस आते हैं, जब भी हम किसी बॉडी का स्ट्रेच करते हैं क्या होता है, उसका लेंथ बढ़ता है एरिया कम होता है, लेकिन बॉडी की वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम की वैल्यू सेम हो। यानी कि इस फॉर्मूले को हमें ठीक करना पड़ेगा और ये रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को हमें वॉल्यूम के टर्म में सोचना पड़ेगा। और वो कैसे सोचेंगे हम, ऊपर नीचे हमने एल से मल्टीप्लाई किया, आर इज इक्वल टू रो, ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन वी। अब आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अगर वॉल्यूम की वैल्यू सेम है तो। तो देखो यही ध्यान रखना, एक बच्चे में और जो एंट्रेंस क्वालिफाई करते उस बच्चे में एक फर्क, जब वो बात करता है ना उससे लेंथ का इफेक्ट, तो दोनों परस्पेक्टिव की बात कर, दो तरीके से होता है कॉन्सेप्ट, उस टाइम इसका वो ये कह रहा है कि देखो आर प्रोपोर्शनल टू एल में कोई बुराई नहीं है ना, वो गलत भी नहीं है, लेकिन कब, जब एरिया की वैल्यू सेम दे रखा हो, वरना आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब देखो इससे क्या हुआ, अब आपके सारे के सारे आंसर बदल जाएंगे, आर टू अपॉन आर वन की वैल्यू हो जाएगी एल टू अपॉन एल वन का होल स्क्वायर। इसका मतलब अगर हमने इफ एल टू इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एल, यानी कि दैट इज इफ लेंथ चेंजेस, लेंथ चेंजेस एन टाइम्स, चेंजेस का मतलब आपकी मर्जी है, आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, जो तुम चाह कर सकते हो, अगर तुमने स्ट्रेच किया या फिर कंप्रेस किया। ऐसे कंडीशन में आर टू अपॉन आर वन की वैल्यू ये हो जाएगा एन इंटू एल वन अपॉन एल वन, इसका होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर टू इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन आर वन, और आर टू की वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर आर, यानी कि रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंजेस हाउ मच, एन स्क्वायर टाइम्स, रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम चेंज है। तो देखो क्वेश्चन का आंसर कैसे चल रहा है, तुमसे कोई पूछता है कि हमने वायर की लेंथ को डबल किया, रेजिस्टेंस ये नहीं बोलना है डबल होगा, वेट पूछो एरिया सेम, या क्वेश्चन देखो एरिया सेम है या वॉल्यूम सेम, क्योंकि अगर एरिया सेम है तो फिर आर प्रोपोर्शनल टू एल होगा, अगर वॉल्यूम सेम है तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होगा। और नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इस बेसिस पे पूछे, बहुत सारे, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अब हम जब भी बात करेंगे तो यहां से बात करें। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर देखो आंसर कैसे चलेगा, अगर एरिया सेम है तो लेंथ को डबल करेंगे रेजिस्टेंस डबल होगा, लेकिन अगर वॉल्यूम सेम है, और अब अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस डबल मतलब एन की वैल्यू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स होगा। तो सोचो अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो नीट के एग्जाम, आपने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो ऑप्शन में दोनों होंगे डबल भी 4 टाइम्स, मर्जी आपके, किसी को ऑप्ट कर सकते हैं। छोटी सी छोटी बात ध्यान में रखें, क्वेश्चन अपने आप को न सही जाए, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बताता हूं परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है। अब यहां हम ये कह सकते हैं यहां पे कि हमारे पास आर टू की वैल्यू है, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालना,
परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इन केस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेन, ये हो जाएगा आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन इंटू हंड्रेड, ये हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू आर वन माइनस आर वन अपॉन आर वन इंटू हंड्रेड, इसको लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस वन इंटू हंड्रेड, ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन आर की वैल्यू। अब देखो ये डायरेक्टली फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, नीट के एग्जाम, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? अब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि नीट के क्वेश्चन आप देखते ही 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते, आप समराइज कर लो पूरे कॉन्सेप्ट को। मैं अगर इसको समरी करूं तो हमने क्या सीखा, देखो हमने जो चीज सीखी वो पहली ये थी, नोट करके बेटा मैं इसको समरी कर, इसको अब दिमाग में, पहला केस है केस वन, अगर हमारे पास एरिया की वैल्यू सेम है तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल होगा, और इसमें पहला इफ एल टू इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एल वन, दैट इज लेंथ चेंजेस, अगर दे रखा है एन टाइम्स, चेंजेस मतलब आप हाफ करो डबल करो कुछ भी करो, देन आर टू की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा एन इंटू आर वन, मतलब हम कहेंगे देन यहां पे लिखोगे रेजिस्टेंस ऑल्सो चेंजेस एन टाइम्स, रेजिस्टेंस ऑल्सो चेंजेस एन टाइम्स, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर एन टाइम्स, और आप परसेंटेज चेंज अगर निकालना चाहते हो बेटा तो आप कह सकते हो इस केस में परसेंटेज चेंज इन आर की वैल्यू एन माइनस वन इंटू हंड्रेड, बस। अब आप बड़े आराम से क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, देखो कैसे, किसी ने कहा लेंथ को हमने 40% बढ़ा दिया, बस आप ये देख लो अगर एरिया सेम है तो रेजिस्टेंस भी 40% बढ़ेगा, कहीं कोई दिक्कत, यहां पर रखेंगे सॉल्व करेंगे आंसर। लेकिन दूसरी कंडीशन केस टू, अगर वॉल्यूम की वैल्यू सेम है, इफ वी इज सेम इन केस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेन, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होगा, और यहां पे कहेंगे इफ लेंथ चेंजेस चेंजेस एन टाइम्स, यानी कि दैट इज अगर एल टू की वैल्यू एन टाइम्स ऑफ एल वन है, देन आर टू की वैल्यू जो होगी आर टू जो होगा एन स्क्वायर इंटू आर वन होगा, और ऐसे कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस, यहां लिखेंगे रेजिस्टेंस चेंजेस कितना बेटा एन स्क्वायर टाइम्स, ये रहा कंडीशन। अब देखो इससे क्या फायदा मिलेगा, अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकाल, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, आप ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर माइनस वन इंटू हंड्रेड। ये था कॉन्सेप्ट का। अब मैं अगले एक मिनट में आपको दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे, आपको क्वेश्चन से कैसे प्ले करना है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है ना, बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे फिर देखो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर रहा हूं, इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीजेस बाय 20% 20% बाय स्ट्रेचिंग, नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहेगा स्ट्रेचिंग, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन आर। अब देखिए बेटा इन रेजिस्टेंस स्ट्रेचिंग क्लियर है, वॉल्यूम के वैल्यू सेम है, कॉन्सेप्ट सामने बेटा, अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम आपको एन निकालना है, पहले स्टेप बीच के सारे स्तर भूल जाएंगे, सीधा यहां एन निकलेगा और सीधा यहां पे आएगा। देखो क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, आपको सिर्फ एन के बारे में सोचना, आपने कहा लेंथ पहले L1 L था, L2 की वैल्यू L में 20% बढ़ा दिया, ये हो गया 1.2L, बस आप ये कर N आ गया, ये आपका N, और सीधा यहां पे रखो परसेंटेज चेंज इन R, ये हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, इसको लिखेंगे 1.44 माइनस 1 इंटू 100, ये हो जाएगा 44%। आप सोचो कुछ भी दे रखा हो, कितना भी परसेंट इंक्रीज हो, कितना परसेंट डिक्रीज हो, ये इंक्रीज डिक्रीज सबके लिए काम करेगा, और बड़े आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे किसी ने आपसे ये कहा कि लेंथ को 50% रखो, यहां रखो 50%, एल प्लस 50 अपॉन 100 इंटू एल, एन की वैल्यू 1.5 आ जाएगी बेटा,
रख दो यहां पे 1.5 का स्क्वायर 2.25 माइनस 1 1.25 इंटू 100 125%। आप मेडिकल के क्वेश्चंस को आप घड़ी देखो जो मैंने सॉल्व किया, हार्डली टेक 10 सेकंड टू क्रैक द लीड क्वेश्चंस। और ये जो भी मैंने क्वेश्चन चाहे 50% की बात की चाहे 20% की बात की वो सब 10 सेकंड में आप कर सकते हैं। इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि मैं एक प्लान कर रहा हूं कि चूंकि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है बच्चों, तो मैं ये प्लान कर रहा हूं कि आपका रिविजन रख दिया जाए। ऐसे काफी सारे कॉन्सेप्ट का फिंगर टिप रिविजन इसका हमने नाम रखा है, जिसके हमने फी बहुत ही कम रखी है, इट्स हार्डली 1000, ठीक है ना। और 1000 में मैं श्योर कर सकता हूं कि आप काफी, एक तो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आएगी फिजिक्स को देखने का, और ये भी हो सकता है कि नीट के एग्जाम में आप 15 से 20 क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर कर दे, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है बेटा। आप चाहें तो जो इस वीडियो के ऊपर जो नंबर है उसको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस 60 डेज के फिंगर टिप्स रिविजन ऑनलाइन क्रैश कोर्स के। थैंक यू।